न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहनों के सम्मान में, ईमान के मैदान में, बहनों के सम्मान में, ईमान के मैदान में। अभी चार घंटे में अगर सिविलिंग ढूंढना हो ना तो चार घंटे में ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन किसी दलित की बच्ची, किसी बहुजन समाज की बच्ची की अगर जो है हत्या की जाती है, रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कानून बनाए गए, लेकिन उन कानूनों को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि फॉलो करने वाले लोग जो कानून में बैठे हैं वही गद्दार है, वही समाज के लोगों को जो है क्राइम को बढ़ाने का काम करते हैं, अपराधियों को साथ देने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ जो बहुजन समाज के लोग अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ मनुवादी की बच्ची तो है नहीं, यहाँ मनुवादी सोच करने वाले लोग हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार कर सकते हैं, हमें इंसाफ देने का काम नहीं कर सकते। पुलिस को ऑर्डर किया जाए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है ये मुकदमा चले और जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से भीम आर्मी की टीम यहां पर मौजूद है। क्यों मौजूद है मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि मैं यहां पर जाफर कला इलाके में मौजूद हूं। ये नजफगढ़ का एरिया है, नजफगढ़ में जाफरपुर कला पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर भीम आर्मी की पूरी टीम मौजूद है। क्यों मौजूद है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दलित समाज से आती है संगीता नाम की लड़की, जो 11 दिन से लापता होती है, और जब उसका शव मिलता है तो रोहतक के गांव में मिलता है, रोहतक हरियाणा में दबा हुआ मट्टी के अंदर शव मिलता है। उसके बाद जहां पर पुलिस प्रशासन जो उसकी डेड बॉडी है, उस महिला की डेड बॉडी को यहां पर कल रात को जिस तरीके से बारिश हो रही थी, उस बारिश के साथ रात भर यहां पर भीम आर्मी के लोग मौजूद थे, उस लड़की की बहन मौजूद थी, पिता और उसका परिवार मौजूद था। अभी बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम अच्छा, आपकी वो बहन थी संगीता, 11 दिन से लापता थी, 11 दिन से ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं कर रहा था, हाथ पे हाथ धर के बैठा था। हमने इन्फॉर्म भी किया कि हमारी बहन घर से लापता है, तो फिर इन्होंने ये रिपोर्ट लिखी कि घर से लापता है। फिर 22 तारीख को इन्होंने इन्फॉर्म पुलिस रिपोर्ट लिखी कि है ना मेरी बहन मर गई है, मेरी बहन मरी ना, तब तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन किया कि है ना मेरी बहन रिपोर्ट लिखी थी 24 तारीख को, रिपोर्ट लिखी थी 24 तारीख को मेरी बहन मरी हुई घर पे आई, और पुलिस वाले ने बोला था कि 25 तारीख तक है ना मेरी बहन घर आ जाएगी, 22 तारीख को घर आई मेरी बहन तो मरी हुई आई। ये आप सामने देख सकते हैं किस तरीके की दर्द भरी तस्वीर है, ये उनकी उस महिला की बहन है, 26 वर्षीय संगीता थी, और जो दलित समाज से आती है सिंगर थी वो लड़की। क्या इनका कसूर यही था, उस लड़की का कसूर यही था कि वो दलित समाज से है? कि सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। और अभी मैं और भी सवाल कर लेती हूँ, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रहा है, क्या दलित समाज से आती थी इसीलिए इस तरीके की लापरवाही हो रही है? क्योंकि 11 दिन से लापता थी आपकी बहन, और जो है 22 तारीख को FIR होती, ऐसा क्यों? पुलिस वालों ने हमने बोला था कि है ना बहन है ना, मतलब बहन यहाँ पे पहुंची हुई है, हमने पुलिस वालों को सारे सबूत भी दिखाए, उन्होंने बोला आ जाएगी 22 तारीख को मेरी बहन मरी ना, तब उन्होंने रिपोर्ट लिखी मेरी बहन के। अभी कल जब आप लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर थाने के सामने बॉडी के साथ बैठे हुए थे, तो ये पुलिस प्रशासन आपकी बहन की बॉडी को क्यों अंदर लेके गई है? क्या कह रहे थे पुलिस प्रशासन? पुलिस वाले अब ये बोल रहे कि जब तुम अब बॉडी को जलाने के लिए रेडी हो जाओगे ना, तब हम तुम्हें ना बॉडी दे देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। मेरी मम्मी से ज़बरदस्ती करके, सभी से ज़बरदस्ती करके, और आधे को ना भीम आर्मी में जो हमारे साथ है उनको है ना जेल में बंद कर दिया गया था, और है ना सबका फ़ोन भी छीन लिया था, ये वीडियो बना रही थी, इनका फ़ोन भी छीन लिया, और रात में तूफान में है ना इन्होंने लाइट भी बजा दी थी,
और रात में पूरी रात है ना, पूरी रात हम यहाँ पे खड़े रहे बारिश में, आंधी में, तूफान में, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, पुलिस प्रशासन में से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। यहाँ पे अभी तक दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री नेता या फिर केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री नेता आए अभी? कोई नहीं आया, किसी ने भी सुध नहीं ली, कोई भी नहीं आया। देखिए किस तरीके से एक दलित को हर्जाना भुगतना पड़ता है और किस तरीके से एक दलितों की स्थिति इतनी दयनीय कर दी जाती है इस देश के अंदर और उनको अलग थलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। अभी तक अभी किसी स्वर्ण की बेटी होती इस तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है, अगर स्वर्ण की बेटी होती क्या ये लोग शांत रहते? क्या कोई मंत्री या नेता यहाँ पर नहीं आता? क्योंकि वो लड़की दलित थी इसलिए यहाँ पर कोई नेता नहीं दिख रहा है, कोई मंत्री नहीं दिख रहा है यहाँ से। अच्छा महिला आयोग जो है, महिला आयोग से कोई यहाँ पर आई? स्वाति जय हिंद जी, मीना आई थी, मीना शौकीन आई थी। और ये जो विधानसभा है ये दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश जो लगे हुए हैं, कैलाश गहलोत जी की वो विधानसभा है। यहाँ से मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर पे भी उनका ऑफिस कार्यालय नहीं है, जो वो अभी तक उनको होश नहीं है कि हम यहाँ पे जाके गांव में जाके देख ले या थाने में आके खबर ले ले कि इस पीड़ित परिवार के साथ क्या हुआ है। कहीं यही किसी सरवण की बच्ची होती तो आज इसको पूरे का पूरा दिल्ली सरकार, पूरी बीजेपी की सरकार पूरा समर्थन दे रही होती। सिर्फ एक दलित की बच्ची होने के कारण किसी सरकार का कोई समर्थन नहीं है। 11 तारीख से लेके 23 तारीख तक परिवार ने जो जूझा है, पुलिस वाले अगर चाहते तो ये बच्ची आज हमारे साथ में यहाँ बैठी होती जी। यानी कि पुलिस की पूरी पूरी लापरवाही है और जानबूझकर इस तरीके से अपराधियों को जो है वो बढ़ावा दे रही जी है। 20 तारीख को लड़की की छोटी बहन से यहाँ के आईओ ने बोला कि आपकी बहन 25 तारीख को आपके घर आ जाएगी, तो मतलब उनका तालमेल पूरा था उन लोगों के साथ में, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि आपकी बहन 25 तारीख को आ जाएगी जी। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने उनके ACP को सुनाई, उनके SHO को सुनाई, मगर उस पर कोई संज्ञान नहीं है अभी तक। किस आधार पर, मतलब वो कह रहे थे कि 25 तारीख तक आ जाएगी, उसके बाद जो है शव मिलता है फिर हरियाणा के रोहतक से जी? वही चीज़ मांगने के लिए हम यहाँ पे आज धरने में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने कुलदीप जो आईओ है वो आए और हमको उस किस आधार पे उन्होंने बताया कि 25 तारीख को हमारी बेटी जिंदा आएगी वापस। उन्होंने कहा हम 25 तारीख के आपकी बेटी घर आ जाएगी, आप घर पे आराम से चैन से सोएंगे, आप बात कर लीजिए उससे एक बारी जी। हम वही हमारी मांग है कि हम उससे पूछे कि भैया आपने किस आधार पे बोला था कि हमारी बेटी वापस आ जाएगी 25 तारीख को। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीम आर्मी की टीम पूरी मौजूद है। कल रात से यहाँ पर लगातार भीम आर्मी की टीम उस दलित बच्ची के सहयोग में बैठी हुई है और उस परिवार के साथ है, उस परिजनों के साथ बैठी हुई है। जिस तरीके से कल रात को बारिश हो रही थी, भीषण बारिश में उस शव के साथ ये लोग यहाँ पर कल रात से अभी तक मौजूद है। आप सामने सारी सीधी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और सारे भीम आर्मी के लोग यहाँ पर जो हैं लगातार बैठे हुए हैं और प्रशासन से और शासन से यही मांग रहे हैं और यही न्याय की मांग कर रहे हैं। तो अभी और भी लोगों से जान लेते हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं भीम आर्मी से हूँ। मांग हमारी ये है कि पीड़ित परिवार को जो है एक तो सबसे पहले सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जो हमारी बहन के साथ में जुल्म ज्यादती की है, उसकी हत्या की गई है, वो परिवार के किसी और सदस्य के साथ ऐसा हादसा ना हो, ऐसा जो है अपराध ना हो, इसलिए पहले सबसे पहले तो इस परिवार को जो है सुरक्षा मुहैया की जाए। दूसरी चीज़ जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो दिल्ली सरकार है वो इस मामले को संज्ञान में ले, केंद्र सरकार इस मामले को संज्ञान में ले, पुलिस को ऑर्डर किया जाए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है ये मुकदमा चले और जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तीसरा हमारा ये है कि परिवार की हालत अब ऐसी नहीं है कि वो अपने परिवार को चला सकें, उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल एक दो जगह ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि परिवार को संभालने वाली वो बड़ी बेटी थी जिसकी वजह से पूरा परिवार चलता था। तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मांग ये है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दिया जाए और एक किसी भी बच्ची को या परिवार के किसी एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। किसी और के साथ रेप होता, किसी और बड़े घराने की लड़की होती या इस तरीके की घटना घटती, मेरे को बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ रहा है, इस घटना
होती तो ये कैंडल मार्च तक निकाल देते, मगर यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूँ, अभी चार घंटे में अगर सिविलिंग ढूंढना हो ना तो चार घंटे में ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन किसी दलित की बच्ची, किसी बहुजन समाज की बच्ची की अगर जो है हत्या की जाती है, रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, तो उनको 11 दिन तक भी पता नहीं चलता। अभी पुलिस को कहीं लेंटर पड़ रहा हो, कहीं किसी का जो है कोई काम चल रहा हो, किसी की दुकान चल रही हो, किसी का शोरूम चल रहा हो, वहाँ से इनको जो है अपना जो पैसा आता हो तो इनको पहले पता चल जाएगा वो दुकान कब खुलेगी, किस टाइम बंद होगी, सारा सिस्टम इनको पता होता है। लेकिन जहाँ हमारी बहनों की हत्या की जाती है, हमारे बहनों को रेप किया जाता है, हमारे भाइयों को मारा जाता है, हमारे लोगों पे जुल्म अत्याचार किए जाते हैं, पुलिस बैठी रहती है, सोई रहती है, क्योंकि उसमें पुलिस मिली हुई होती है। पुलिस का आधा हिस्सा होता है क्रिमिनलों के साथ में, अपराधी अपराध जब करता है जिसमें पुलिस मिली हुई होती है, पुलिस के मिली भगत से ही अपराध को बढ़ाया जाता है। तो अगर कहीं पे अगर जो है भी जो है, तो मैंने आपको बताया कि चार घंटे के अंदर जब शिवलिंग ढूंढ सकते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, लेकिन हमारी बहनों के हत्यारों को चार घंटे के अंदर नहीं ढूंढ सकते। उनको 11 दिन लग गए जो है बहन की सिर्फ डेड बॉडी ढूंढने में 11 लग गए। अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती इस पर तो हमारी बहन आज जिंदा होती। तरीके से सर बताया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस जो है नंबर वन पे आती है, दिल्ली पुलिस नंबर वन पे कहा जाता है, ये अपने काम में इस तरीके की चूक करती आई है, और इस क्या इनकी लापरवाही से ही एक परिवार ने, दलित परिवार ने उस बहन को खो दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस आती है नंबर वन में आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लोगों से पैसा लेने में नंबर वन पे आती है। दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ाने में नंबर वन पे आती है। वो कहने का नजरिया दूसरा है। निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कानून बनाए गए, लेकिन उन कानूनों को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि फॉलो करने वाले लोग जो कानून में बैठे हैं वही गद्दार है, वही समाज के लोगों को जो है क्राइम को बढ़ाने का काम करते हैं, अपराधियों को साथ देने का काम करते हैं। तो जब तक हमारी दिल्ली पुलिस जो है इनके ऊपर, प्रशासन में बैठे लोग, शासन में बैठे लोग इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तो दिल्ली पुलिस हमारी जो है इसी तरह से अपराधियों से मिली रहेगी, और इसी तरह से बहनों के बलात्कार और हत्या होती रहेगी। जिस तरीके से ये दलित परिवार था सर, क्या इस दलित परिवार को इसी चीज का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है? और क्योंकि वो उभरती हुई सिंगर थी, और जितने भी आप केस देखेंगे, जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ वहाँ पे भी दलित बच्ची थी, यहाँ पे भी दलित है, और अभी तक यहाँ पर नेशनल मीडिया कोई दिख नहीं रही है, दूर दूर तक वैसे नेशनल मीडिया आ जाता है। क्या दलित समाज की बच्ची को आवाज़, उसकी बच्ची थी इसलिए आवाज़ दबाने के लिए, और यहाँ पर कोई मीडिया नहीं दिख रहा है, क्या इनकी ये दोगलापंथी नहीं दिख रही? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सत्ता में बैठे लोग जो 15% लोग देश पर राज कर रहे हैं, वो बहुजनों को, बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी बहन बेटियों के बलात्कार से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बहन बेटियों के हत्याओं से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई मनुवादी की बच्ची होती, आज उसका बलात्कार हुआ होता, उसकी हत्या हुई होती, तो आज पूरा नेशनल मीडिया भी यहाँ होता, आज यहाँ इलाके के सांसद भी यहाँ होते, निगम पार्षद भी होते, विधायक भी होते, और ये मनुवादी सोच रखने वाला बिल्कुल एकदम जो है करप्ट और भ्रष्ट दिल्ली का सीएम केजरीवाल भी यहाँ पर सड़कों पर धरना देने के लिए बैठा हुआ होता, पूरी नेशनल मीडिया होती, क्योंकि एक बहुजन समाज की बच्ची है, ये गरीब की बच्ची है, एक मजलूम की बच्ची है, इसलिए यहाँ पूरा जो है कोई जो है मनुवादी लोग यहाँ पे आने का काम नहीं करेंगे, कोई नेशनल मीडिया यहाँ पे आने का काम नहीं करेगी। अगर यहाँ कोई आएगा तो इनकी आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ CRPF लगाई जाएगी, यहाँ फोर्स लगाई जाएगी, यहाँ आर्मी लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ जो बहुजन समाज के लोग अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ मनुवादी की बच्ची तो है नहीं, यहाँ मनुवादी सोच रखने वाले लोग हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार कर सकते हैं, हमें इंसाफ देने का काम नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक दलित प्रोफेसर के ऊपर FIR करने में तत्परता दिखाई, इस तरीके से अपराधियों पर तत्परता दिखाई नहीं जा सकती थी यह पुलिस प्रशासन? मैं आपको वही बता रहा हूँ, विनर रतन लाल जी जो थे उन्होंने जो है एक जो है टिप्पणी की थी, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उनको अगले दिन दो जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो पुलिस जो है ऐसे हमारे जो लोग, हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, अपने हक अधिकारों को बोलने का काम करते हैं, मांगने का काम करते हैं, उनको दबाने का काम ये मनुवादी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मनुवादी लोग सत्ता में बैठे हुए राज जो करने वाले लोग हैं, वो बहुजन समाज का सिर्फ शोषण और बलात्कार अत्याचार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा किस तरीके से एक दलित समाज की बच्ची के साथ अन्याय होता है, और ये वही
हत्याकांड वैसा ही तरीके से दोहराया जाता है जिस तरीके से हाथरस में हुआ था। एक दलित समाज से ही आती थी वो बच्ची भी, उसके साथ भी इसी तरीके की हत्या करके उसके साथ रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी तरीके से एक और घटना यहाँ पर दिल्ली के ही राजधानी में यहाँ पर घटती है और आप सामने देख सकते हैं, सारी तस्वीरें आपके सामने है। थाने के सामने पूरी भीम आर्मी मौजूद है, कल रात से लगातार यहाँ पर बैठी हुई है न्याय दिलाने के लिए उस परिवार को, उसके परिजनों को। आप सामने सीधी सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको खबरें दिखाती रहूंगी और अभी और भी लोगों से यहाँ पर जानेंगे और बात करेंगे। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा माथुर, नई दिल्ली।